इन्होंने जो है 30 तारीख से लॉकडाउन का ऐलान किया है। लॉकडाउन के ऐलान के साथ में बहुत सारे शर्तें थी जो कि बहुत सख्त तरीके से लॉकडाउन का निज़ाम बनाया गया है। लोगों को इस बात की डर थी कि आज ये लॉकडाउन 30 तारीख से लेके 8 तारीख तक अगर होता है, उसके बाद रिपीट होता है तो रमज़ान मुबारक आता है, बहुत सारे हिंदू भाइयों के भी त्यौहार आते हैं उसके अंदर में, नवरात्र उसमें आती है, तो लोग किस तरह से अपने त्यौहार और अपने इबादत कैसे करेंगे, इसका भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे था। ये 5 तरीके से इस मीटिंग में फाइनल हो गया कि ये लॉकडाउन 30 से लेके 8 तारीख में ही ख़त्म होगा, उसको वापस रिपीट नहीं किया जाएगा, जिसके वजह से रमज़ान की परेशानी लोगों के जहन में थी वो ख़त्म हो गई। दूसरी बात, गरीबों को जो परेशानी रहेंगी इसके दौरान में, जो मसाइल आएंगे, पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए मदद करेगा, उनके खाने पीने के इंतज़ाम को पूरी ताकत से करेगा, ये भी उसके साथ में ही होगा। हम जो लोग मसाजिदों में नमाज़ पढ़ते हैं तो सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए और मास्क लगाकर मस्जिदों में नमाज़ पढ़नी चाहिए, जिसके वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की परेशानी नहीं होगी और पूरे तरीके से आप वो निज़ाम को कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जब 10 दिन के अलावा ये लॉकडाउन नहीं होगा, और वैसे भी 2 दिन का लॉकडाउन तो पहले से हम कर ही रहे हैं, एक्स्ट्रा में क्या है, तो 6 दिन का ही लॉकडाउन एक्स्ट्रा के अंदर में है। तो 6 दिन के निज़ाम में सुबह से लेके 12 बजे तक के आप दूध, सब्जी, भाजी, किराना, जो कुछ आप परचेस कर सकते हैं, आपके पास 7 बजे से लेके 12, 5 घंटे का टाइम आपके पास है, और ये 5-6 दिन ही हमको इसमें निकालना है, जिसके वजह से कोरोना की चैन को तोड़ना है। कोरोना की चैन अगर एक हफ्ते में टूट जाती है, जो रोज़ 2000 पेशेंटों की आमद हो रही है, ये टूट कर 100-200 और 100 के ऊपर आ जाए, इस तरह की प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है, ऐसा उन्हें लगता है। इसके बावजूद भी उन्होंने कोविड के एतबार से लोगों की सहूलत के लिए कई इंतजाम सीसी के और कोविड सेंटर के उन्होंने बनाए, और 17,000 बेड का इंतज़ाम उन्होंने किया। अगर कल परिस्थिति अगर ख़राब होती है और हाथ से जाती है, तो उससे निपटने के लिए कलेक्टर साहब ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पूरा इंतज़ाम करने की कोशिश का बोरा हमको बताया है, और उन्होंने तहखुन दिया कि किसी लोगों को कोई परेशानी इसके अंदर नहीं होगी, और पूरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन मदद करेगा हर किस्म की, जो कि हम लोगों की उसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो खाने का मसला हो, हॉस्पिटल में से लेके जो कुछ मसाइल आने वाले हैं उस पर प्रशासन पूरी मदद हमारी करेगा। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने उनसे चर्चा करके ये तय किया है कि अभी उनका कोविड का संदर्भ में ये लॉकडाउन जारी रहेगा 30 तारीख से, लेकिन अभी हमारी टीम जो है इस पर बैठ के एक लायल अमल बनाएंगी, अभी मशवरा करेंगी, लोगों के सामने हमारे मसाइल के ऊपर हमारी बात होंगी, और हम कल तक के ये फैसला ले लेंगे।